बदलापुर की घटना को एनकाउंटर नहीं मान सकते चार पुलिस अफसर एक आरोपी को नहीं संभाल पाए सेल्फ डिफेंस में अगर गोली चलानी थी तो पैर पर चलानी थी सिर पर गोली क्यों मारी गई नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूज एटीन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हुरनू यादव दरअसल जब से बदलापुर मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से बहुत बवाल हुआ है दरअसल बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के यौन शोषण के आरोप में अक्षय शिंदे लगातार जेल में बंद था पूछताछ हो रही थी आगे की कार्रवाई हो रही थी लेकिन इसी दौरान अचानक से खबर आती है कि अक्षय का एनकाउंटर कर दिया गया है आप इस पूरे वाक्य को समझिए क्योंकि अक्षय के जो माता पिता है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है और दूसरी तरफ ये जब पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट में मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें रखी गई हैं वो भी आपको बताने जा रहे हैं पहला तो आपको ये बता दें कि अक्षय शिंदे का जो आ, के जो पिता है अन्ना शिंदे उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए यानी कि उनके जो आरोपी बेटे का एनकाउंटर हुआ है इस मामले की जांच के लिए एस गठित की जाए विशेष जांच दल गठित किया जाए ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके कि ये फर्जी एनकाउंटर है या सच में एनकाउंटर करना पड़ा हालांकि इस दौरान कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अक्षय शिंदे जिसने इस बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था वारदात को अंजाम दिया था उसको जब ले जाया जा रहा था इसी दौरान उसका एनकाउंटर हो जाता है और यह एनकाउंटर क्यों होता है कैसे होता है इन तमाम सवालों के जवाब राज्य सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने दिए हैं अब आपको बारी बारी से बता रहे हैं कि आखिरकार इस पूरी घटना के बाद क्या क्या सवाल पूछे गए और उसका राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने क्या जवाब दिए हैं दरअसल आरोपी के पैर पर गोली नहीं लगी थी क्योंकि सेल्फ डिफेंस में हमेशा पैर पर गोली मारी जाती है ताकि वो भाग ना पाए लेकिन उसके सिर पर गोली लगी और उसकी मौत हो गई इसी से जुड़ा ये पूरा घटनाक्रम है जिसमें हाई कोर्ट में बातचीत हुई सवाल जवाब हुए और हाई कोर्ट की तरफ से कई सारे सवाल दागे गए हैं नर्सरी की दो तो बच्चियों के यौन शोषण के मामले में कहा गया है कि आखिर ये एनकाउंटर था तो ये एनकाउंटर हुआ कैसे पहली बात तो स्थिति बन ही क्यों कि अक्षय जो कि मुख्य आरोपी है वो पिस्तौल निकाले और वो सीधे ता दे चार अफसर थे मौके पर चार अफसर क्या एक आरोपी को संभाल नहीं पाए ये एक सबसे बड़ा सवाल है दूसरी बड़ी बात है कि बेंच ने कहा कि अगर गोली चलाने वाला अफसर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है तब वह यह नहीं कह सकता कि उसे रिएक्शन कैसे करना ये पता नहीं है इसकी जानकारी नहीं तो उसे ये पता नहीं ये नहीं कह सकते क्योंकि वो ट्रेंड पुलिस अफसर है अब अगर उसने पिस्तौल ताने थी तो उसके पैर में गोली मारी जा सकती थी तो और जैसे उसने पिस्तौल तानी तो तीन अन्य जो पुलिस अधिकारी थे मौके पर उसे पकड़ सकते थे और उसे काबू में किया जा सकता था अक्षय शिंदे को देखा गया वो इतना बलशाली इतना मजबूत नहीं है कि चार पुलिस अफसर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दूसरी बड़ी बात उस अगर वो भाग रहा था तो उसके पैर में गोली मारनी थी सिर में गोली मारने का कोई मतलब नहीं था तीसरी बड़ी बात है कि वो हथकड़ी लगा उसका हाथ था और अगर उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी तो उसके अंदर इतना जज्बा कैसे आ गया कि उसने पिस्टॉल निकाली और तान दी पुलिस अधिकारी की पिस्टॉल निकालता है और अधिकारी पर ही तान देता है तो राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करे वकील ने कहा कि अक्षय ने पानी मांगा था और इस वजह से उसको थोड़ी सी छूट दी गई थी हालांकि इस पूरी घटना के बाद से जो परिजन है जो आरोपी अक्षय शिंदे के जो परिजन हैं वो उनका यही कहना है कि ये फर्जी एनकाउंटर था जानबूझकर अक्षय को मारा गया है और इसके लिए विशेष जाँच दल बनाया जाए यानी कि एस का गठन किया जाए कोर्ट ने कहा जो अफसर अक्षय शिंदे को ले जा रहा था वो थाने पुलिस के क्राइम ब्रांच से था कहा गया जी हाँ कोर्ट ने फिर पूछा कि जिस जगह घटना हुई है वो जगह खाली थी या फिर आसपास कॉलोनी थी या कोई रहवासी इलाका था तो कहा गया है कि आसपास दाईं तरफ पहाड़ियां थी और बाईं तरफ कुछ छोटा कस्बा था ये भी पूछा गया कि जब यह घटना हुई है तो क्या अक्षय को हॉस्पिटल ले जाया गया तो राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि कलवा के करीब शिवाजी हॉस्पिटल है तकरीबन 25 मिनट का रास्ता लगता है वही सबसे करीब हॉस्पिटल था वहीं ले जाया गया है और कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब इतने गंभीर अपराध के आरोपी को ले जा रहे थे तो लापरवाही कैसे हो सकती है एसओपी क्या है क्या उसे हथकड़ी लगी थी राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि उसने पानी मांगा था हथकड़ी लगाई गई थी लेकिन उसने पानी मांगा था इस वजह से उसे थोड़ी राहत रियायत दी गई थी कोर्ट ने फिर सवाल पूछा कि क्या आपने पिस्टल के फिंगरप्रिंट लिए हैं वकील ने कहा एफएसएल ने फिंगर लिए हैं कोर्ट का सवाल कि आप कह रहे हैं कि आरोपी ने तीन गोलियां चलाई थी पुलिस जवान को एक गोली लगी बाकी जो दो गोलियां चलाई गई हैं वो कहां पर है आमतौर पर सेल्फ डिफेंस में हम पैर या हाथ में गोली मारते हैं लेकिन सिर में गोली मारी गई राज्य सरकार की तरफ से जो वकील है उनका कहना है कि अफसर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया उसने खाली रिएक्ट किया है यह ध्यान नहीं दिया गया कि बाकी जो तीन गोलियों में एक तो पहले पुलिस जवान को लगी बाकी दो गोलियां कहां लगी हैं इस पर ध्यान नहीं दिया गया है कोर्ट ने फिर कहा कि हम कैसे मान लें कि गाड़ी में चार अफसर थे और एक आरोपी को संभाल नहीं पाए राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि यह ऑन द स्पॉट रिएक्शन था और इस वजह से गोली चलाई गई है आप देखिए कि कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस पूरे एनकाउंटर के दौरान बदलापुर जो 23 सितंबर को एनकाउंटर हुआ और उसके बाद से अब जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी सत्ते में आ रहे हैं वो भी घेरे में आ रहे हैं दरअसल शाम साढ़े बजे रेप मामले में जांच के लिए थाने पुलिस आरोपी को तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई जांच के बाद जेल लौटते समय आरोपी ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीले मोरी की रिवॉल्वर छीन ली आरोपी ने तीन गोलियां चलाई गोली एपीआई मोरी की जांघ पर लगी और ऐसा ही संजय शिंदे ने गोली चलाई जो आरोपी के सिर पर लगी और यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार गोली सिर पर क्यों चलाई गई हाथ या पैर पर भी चलाई जा सकती थी वहीं दूसरी तरफ शाम सात बजे क्राइम ब्रांच आरोपी शिंदे को अस्पताल लेकर पहुंची डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है ये तमाम जो पॉइंट्स सामने आ रहे हैं और उसके बाद कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि ये माना ही नहीं जा सकता है कि आखिरकार किस तरीके से जब इतने ट्रेनिंग अफसर हैं साथ में अक्षय शिंदे को लेकर जा रहे हैं जो मुख्य आरोपी है इस पूरी बदलापुर रेप वारदात का उसको चार अफसर संभाल नहीं पाते हैं एनकाउंटर की जो बात कही जा रही है इसे कैसे मान लिया जाए कि ये फर्जी नहीं है तमाम तथ्य पेश करने के लिए बोला गया है अगली सुनवाई की जो तारीख है वो सुनिश्चित कर दी गई है और अब अगली जो सुनवाई होगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है और जो अन्ना शिंदे जो कि मृतक आरोपी के पिता हैं उन्होंने जो याचिका लगाई एस आई जांच करने की और एस आई जांच अगर होती है और उस पर जांच रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं तमाम पॉइंट्स पर लगातार न्यूज की कवरेज जारी है और बाकी आपके क्या इस पूरे एनकाउंटर को लेकर राय है जरूर आप साझा करिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क की टीम के साथ नमस्कार